नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए खास स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं अपना सवाल, फोन नंबर है हमारा 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कर सकते हैं कॉल, फेसबुक पर @ZBusinessOnline और साथ ही ट्विटर पर @ZBusiness पूछे अपने सवाल #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे और शेयरों में कमाई कहां पर आपको आप कमा सकते हैं, स्ट्रैटेजी खासतौर पर पहले समझेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। और खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का स्वागत करते हैं शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन रहा आज, बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज 361 अंक टूटा, 57,628 के लेवल पर जाकर हुआ बंद। निफ्टी 112 अंक गिरा और 16,988 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। और बाजार में तो एक वक्त गिरावट काफी ज्यादा थी और निफ्टी 250 अंकों से भी ज्यादा टूट गया था, मगर आखिरी कुछ घंटों में बाजार में रिकवरी आई और गिरावट कुछ कम हुई। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में क्यों इतनी तेज गिरावट आई और कहां से बाजार में रिकवरी के लिए ताकत भी मिली। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा दबाव और ये दबाव आता दिखा अमेरिका से, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में क्रेडिट स्विस के संकट के चलते अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट का माहौल दिखा। सुबह डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे इस उम्मीद में कि क्रेडिट स्विस को यूबीएस खरीद रहा है, उसके बाद शायद समस्या कम हो, लेकिन एशियाई बाजारों में वो जोश और उत्साह दिखा नहीं। सारे एशियाई बाजार आधा से 1.5% नीचे ट्रेड करते दिख रहे थे और यही वजह थी कि एसजेएक्स निफ्टी ने भी सेंचुरी मारी नीचे की तरफ। कमजोर खुले और कमजोर खुलने के बाद गिरावट लगातार बढ़ती रही और गिरावट बढ़ने की बड़ी वजह यह थी कि दिग्गजों पर आज काफी प्रेशर दिखा। सुबह से TCS, रिलायंस, HDFC बैंक जैसे दिग्गज जो इंडेक्स में अपना वजन काफी रखते हैं, वहां पर अच्छी खासी बिकवाली, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज FIs की बिकवाली के आंकड़े भी आपको दमदार देखने को मिल सकते हैं। 16,850 का पिछला लो बाजार ने मुश्किल से 25 पॉइंट से तोड़ा और कुछ समय के लिए 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी भी गया, लेकिन 2 बजे के बाद तस्वीर तेजी से बदली। दिन के लो से और तेज गिरावट से उभरते हुए भारतीय बाजार, और वजह यह कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए चीन की तरफ से पहल के जो संकेत आए, उससे डाउ फ्यूचर्स की 350 पॉइंट की कमजोरी रिकवर होती दिखी। भारतीय बाजार भी अच्छी रिकवरी के साथ बंद होते दिखे, हालांकि हम बंद नुकसान के साथ हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ रिकवरी बाजार को दिख गई। 100 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर हमने समाप्ति किए और बैंक निफ्टी भी करीबन 250 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा, लेकिन कह सकते हैं आखिरी घंटे की रिकवरी बाजार के बड़े काम आएगी। और आइए अब आज के बाजार पर राय लेते हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं। सुदीप सर, आज बाजार में एक बड़ी गिरावट फिर से, हालांकि कुछ रिकवरी भी बाजार में देखने को मिली और थोड़ा सा संभला बाजार, पर सबसे ज्यादा नजरें अब फेड की बैठक पर है और क्या स्टांस रह सकता है वहां पर अब ब्याज दरों को लेकर, क्या एक्सपेक्ट करें बाजार के मूड को लेकर अब? देखिए, जो बैंकिंग क्षेत्र का जो समस्या यूएस मार्केट में और यूरोप में चल रहा है, उसके चलते ग्लोबल निवेशक बहुत परेशान है और एक फियर साइकोसिस उनके मन में है कि आगे क्या होगा और कौन सा बैंक से क्या निकल के आएगा, और ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जहां पे रिस्क अवर्शन बहुत जबरदस्त हो गया है। रिस्क एसेट से दूर भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं सोना का प्राइस बढ़ रहा है, बॉन्ड में भी बिकवाली आ रही है और इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलप मार्केट्स, हर जगह में इक्विटी से पैसा निकल रहा है। इस माहौल में थोड़ा सुधार आने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है यूएस फेड का जो बैठक आज से शुरू हो रहा है, उसका बुधवार को, बुधवार हमारे टाइम शाम को इसका नतीजे सामने आएंगे और ये पॉलिसी को लेके जो बात करेंगे, रेट में जो चेंज करेंगे, उसका बहुत बड़ा असर आने वाले दिनों में मार्केट पे देखने को मिलेगा, ग्लोबल मार्केट के और इंडियन मार्केट्स पे, तो उसका इंतजार रहेगा। और उम्मीद ऑल्सो ये रहेगी कि और कोई बड़ा हादसा, कोई एस्टेब्लिश बैंक या यूएस में कोई मिड टियर बैंक को लेके ना सामने उभर के आए, ताकि मार्केट में ग्रेजुअली स्टेबिलिटी वापस आए और जो एक डर का माहौल मार्केट में आज के दिन में है, वो माहौल ग्रेजुअली दूर हटे, इसी का इंतजार रहेगा। फंडामेंटली इंडियन मार्केट में कुछ चेंज खास नहीं हुआ, इंडियन बैंक का जो स्थिति है उससे ये नहीं लगता है कि
यहाँ पे ऐसे कोई खतरनाक हादसे की संभावना है, पर जो यूएस निवेशक है, ग्लोबल निवेशक है, उनका जो फियर साइकोसिस वो परकोलेट कर रहा है इंडियन मार्केट में, और उसी के कारण जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो वक्त है इंतजार करने का, वक्त है मार्केट में वेट एंड वॉच मोड में रहने का, और अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो जरूर कंपनी स्पेसिफिक कॉल लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं इस गिरावट का अपॉर्चुनिटी लेके। बिल्कुल, ये रही राय सुदीप सर की बाजार पर। आइए अब कुछ कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल भी। इंदौर से अनुराग हमारे साथ हैं। नमस्ते अनुराग जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। जी नमस्ते, मेरा नजारा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक से 50 शेयर है, ऑलमोस्ट 1183 के, और लॉस में ऑलमोस्ट 50%। तो क्या होल्ड करना चाहिए या क्या सजेशन रहेगा? कितने व्यू से नजारा टेक्नोलॉजीज लिया था आपने, कब तक के होराइजन के लिए? आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर। ओके, साल भर से ज्यादा का नजरिया नजारा टेक्नोलॉजीज पर, जिसमें कम से कम 50% तो नीचे भाव आ गया है इनके खरीद से। सर अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखें क्या ये, अब जब इतनी ज्यादा गिरावट है इनके स्टॉक में इनकी खरीद पर, तो सही कदम क्या होगा अभी? कि सही कदम तो ये होगा कि इस काउंटर पे वॉच रखे, और मार्केट जब थोड़ा टर्न करेगा, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, तब अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से एग्जिट ले ले। देखिए, आपका भाव रिकवर करके प्रॉफिट करने के लिए इस काउंटर में इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपने अनफॉर्चुनेटली ऊपर भाव में लिया था, और उस लेवल से बहुत सारा चेंज हो गया है, और नजारा टेक्नोलॉजीज अच्छा कंपनी है, जो जिस क्षेत्र में गेमिंग वगैरह क्षेत्र में काम करते हैं वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन है, पर वैल्यूएशन आपका सही नहीं था, और आपको एग्जिट लेना ही सही होगा। अगर आईटी क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ही रहना है तो भी आप चुन के दूसरे काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं, पर यहां से एग्जिट ले लीजिए। नजारा टेक्नोलॉजी से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, आप ऑलरेडी बहुत लॉस में हैं, एग्जिट करने की राय सुदीप बंदोपाध्याय की। आगे बढ़ते हैं, पुणे से राजश्री हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्कार, मेरे पास 187 प्राइस पे 97 M&M शेयर पे। हेलो, कब तक के लिए रखे हैं? अभी एक साल तक। हेलो, ओके, एक साल का नजरिया M&M फाइनेंस पर रख रही हैं, फिलहाल मुनाफे में है राजश्री। सर क्या स्ट्रैटेजी रखने की अब आपकी राय रहेगी इनके लिए, एक साल तक का नजरिया M&M फाइनेंस में क्या देख रहे हैं आप? जी, ओवरऑल BFSI में हमारा व्यू पॉजिटिव है। M&M का कामकाज रूरल क्षेत्र में ज्यादा होता है, थोड़ा मैनेजमेंट चेंज भी कुछ दिन पहले हुआ है, तो व्यू हमारा अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, शॉर्ट टर्म में कुछ, जैसे हम ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में FIIs का बिकवाली की बात कर रहे हैं, उसमें काउंटर में दबाव आ सकता है, पर क्योंकि आपका नजरिया एक साल का है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप निवेशित रहिए, अच्छा काउंटर है, अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, M&M फाइनेंस में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है, अच्छे मुनाफे के लिए होल्ड करने की सलाह M&M फाइनेंस को सुदीप बंदोपाध्याय की राय आ रही है। आइए अब फेसबुक पर जो सवाल है वो लेते हैं। हमारे पास अलीगढ़ से ज्ञान प्रकाश पांडे का सवाल है। अशोक लेलैंड इनके पास है, 300 शेयर है और खरीद 148 की है। अशोक लेलैंड पर जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल क्या करना चाहिए। नुकसान तो है इनकी खरीद पर, पर ओवरऑल अगर ऑटो क्षेत्र की बात करें तो अशोक लेलैंड पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। एक तो जो कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में अच्छा ट्रैक्शन अशोक लेलैंड को पिछले दिनों में मिला था, इसके अलावा बस जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे भी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनके पास आ रहे हैं वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, तो हमारा व्यू अशोक लेलैंड पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए तो सतर्क रहने की सलाह हर काउंटर से ही मैं दूंगा, तो शॉर्ट टर्म में मैं कोई व्यू नहीं देना चाहूंगा, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। ओके, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अच्छा नजरिया आप रख सकते हैं इस स्टॉक में।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुणे से नामदेव नाग रघोजे जी का सवाल लेते हैं। नागर गोजी हमारे साथ हैं। नामदेव जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम मेरे पास रेणुका शुगर के, हेलो, मेरे पास रेणुका शुगर के 200 शेयर है और मेरी बाइंग है 53 की, और मैडम आईआरएफसी के 600 शेयर है, 33 की बाइंग है, और हुडको के 47 से 900 शेयर से 900, तो मुझे दो कब तक का व्यू है तीनों ही स्टॉक्स में? दो तीन साल तक रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, या उससे ज्यादा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है इनका तीनों ही स्टॉक्स में। सुदीप जी, हुडको, आईआरएफसी और रेणुका शुगर तीनों ही स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए आपको कैसे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए तीनों में लंबी अवधि, क्योंकि दो तीन साल की बात कर रहे हैं तो होल्ड करने का ही सलाह देंगे। रेणुका शुगर, शुगर क्षेत्र में हमारा व्यू मैं पहले भी एक्सप्रेस कर चुका हूँ, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का पॉलिसी सरकार ने चेंज किया है इसके चलते शुगर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा लंबी अवधि के लिए होगा, और जो प्राइस में वोलेटिलिटी देखने को मिलता है उस पर भी एक तरह का लगाम लग जाएगा और ये इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। तो रेणुका शुगर में लंबी अवधि के लिए जरूर निवेशित रहिए। फाइनेंस आईआरएफसी आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कंस्ट्रक्शन में बहुत कामकाज हो रहा है, इनका भी कामकाज बढ़ेगा। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, शॉर्ट टर्म में सारे इंडस्ट्री, सभी काउंटर्स पे, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे दबाव रहेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। हटको में भी ये कहेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल जो सरकार के स्कीम्स है, और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो नेसेसिटी स्मार्ट सिटी बनने के कारण स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ओवरऑल इनका कामकाज हटको का भी बढ़ेगा। तो आप दो तीन साल का नजरिया है, निवेशित रहिए, आपको अच्छा खासा नतीजा मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, तो रेणुका शुगर, आईआरएफसी, हटको तीनों में ही लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह सुदीप जी की तरफ से। फेसबुक पर सवाल एक और आ रहा है मुंबई से दीक्षा पाटिल जी का, HAL इनके पास है, 100 शेयर है और 2700 की खरीद है इनकी। दीक्षा जी जानना चाह रही है HAL में मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल बने रहना सही रहेगा इनके लिए, क्योंकि नुकसान तो ये झेल रही है, क्या भरपाई कर पाएंगी साल भर तक के नजरिए अगर रखे तो? जी करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं डिफेंस जो सेक्टर है, मेक इन इंडिया, वहां पे बहुत जबरदस्त सरकार की तरफ से एफर्ट किया जा रहा है डिफेंस मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। पिछले दिनों में भी HAL ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं इनको, और इनका ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, एग्जीक्यूशन पे भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, और जो डिफेंस सेक्टर के जो कंपनीज जहाँ पे निवेशक को खरीदारी करने की सलाह देते हैं उनमें से HAL एक कंपनी है। तो क्यों आप थोड़ा नजरिया लंबी अवधि का रखिए और यहाँ पे बेझिझक निवेशित रहिए, आपको अच्छा खासा पैसा इसमें बनना चाहिए काउंटर में। ओवरऑल डिफेंस में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हाँ वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा पॉजिटिव है सुदीप जी, और खासतौर पर HAL जो आपका स्टॉक है उसमें बने रहने की सलाह आ रही है। दिल्ली से योगेश वर्मानी हमारे साथ है, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास नेल्को है, एवरेज डूइंग मेरी 700 शेयर है, भैया दिन ब दिन डाउन हो जा रहा है। कब तक के लिए? टाइमिंग कुछ नहीं है। अच्छा, टाइमिंग कुछ नहीं है, टाइम कोई सेट नहीं किया उन्होंने सुदीप जी? ना, ना। बहुत ऊंची खरीद है और काफी नीचे नेल्को का प्राइस आ गया है और नुकसान भी 18,000 से ऊपर का भी झेल रहे हैं। क्या रखें आप स्ट्रेटेजी, इंतजार करें या फिर निकल जाएं? देखिए थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि अभी मार्केट पे सारा मार्केट पे दबाव में है, हर शेयर हर काउंटर में हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिल रहा है, पर आपको मैं यही सलाह दूंगा कि मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए आप नेल्को से एग्जिट ले लीजिए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट हम लोगों को नहीं दिख रहा है जिससे कि आपकी लॉस की भरपाई हो पाएगी और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे।
हमारी सलाह तो यही होगी आप यहाँ से एग्जिट लेके और किसी क्षेत्र में जहाँ पे मुनाफा का, जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद है, वहां पे आप निवेश करने की सोचिए। नेल्को से एग्जिट लेने की सलाह, ऑलरेडी आप काफी नुकसान में हैं तो निकल जाएं, यही राय है आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़े, पुणे से प्रदीप पोलेकर हमारे साथ हैं, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। सर मैडम मेरे पास मजगांव डॉक के 1000 शेयर है, 866 की खरीद है। कब तक के लिए? 1 ईयर, 1 साल तक रख सकता हूँ। काफी भारी नुकसान में है सर ये, 2 लाख का नुकसान झेल रहे हैं, काफी ऊंची खरीद जिससे काफी नीचे शेयर का भाव भी है, 1 साल तक रहे क्या स्टॉक में? कंपनी तो बहुत अच्छा है, डिफेंस सेक्टर में है, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग भी चालू किया है इन्होंने, ऑर्डर बुक तगड़ा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, पर दिक्कत जैसे स्वाति जी कह रहे हैं आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है और थोड़ी देर पहले ही आपने शेयर लिया होगा क्योंकि पिछले करीबन 15-20 दिन में बहुत जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला, मार्केट में करेक्शन हुआ, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ तो प्राइस नीचे आया। अगर आप 1 साल का नजरिया से रहना चाहते हैं तो थोड़ा अगर एग्रेसिव कॉल ले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप निवेशित रहिए, सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छा है, आपका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत ऊपर भाव में लिया, पर आप निवेशित रहिए 1 साल के लिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो 1 साल तक के लिए कुछ पेशेंस रखिए, बने रहे मजगांव डॉक में, यही सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। और आइए अब आपको बताएं कल के बाजार में क्या रखे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स अपने 350 अंकों की कमजोरी को पूरा का पूरा रिकवर कर चुके थे, तो ऐसे में आज रात देखना ये इंटरेस्टिंग और अहम होगा। 2 दिन तक लगातार गिरने के बाद अमेरिकी बाजार के आज रशिया यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के संकेतों के बीच एक अच्छी रिकवरी दिखा पाते हैं और सुबह डाउ फ्यूचर्स पर भी रहेगी नजर। संकेत इस वक्त सारे हैं कि अमेरिका में एक रिकवरी का माहौल बन सकता है, लेकिन साथ ही दूसरी चीज़ों को भूलना गलत होगा क्योंकि बैंक्स को लेकर समस्याएं कई सारी हैं। अब कोई खराब खबर आती है या अच्छी खबर आती है उस पर अपना रिएक्शन देंगे। 22 तारीख को फेड की मीटिंग है, उससे पहले अमेरिकी बाजार अपने आप को तैयार करते हुए दिखेंगे। और आज के सेशन में सुबह से जिस तरह की बिकवाली हो रही है, FIs के डेटा बड़े आने की पूरी पूरी आशंका है, आखिरी घंटे की रिकवरी को छोड़ दें तो ऐसे में देखते हैं FIs की तरफ से आज क्या रुझान रहता है। इन सारे संकेतों के बीच कल हम करेंगे शुरुआत, और शुरुआत के लिहाज से फिर से जो सपोर्ट लेवल निफ्टी पर रहेगा वो 16,850 का ही रहने वाला है और ऊपरी स्तर पर 17,150 पहली और हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,939,050 ये कल के लिए आपके लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,700 से लेकर 39,900 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, तो इन लेवल्स और रेंज पर रखिए नजर। लेकिन पूरी तरह से मार्केट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ न्यूज ड्रिवन है, जैसी खबर होंगी वैसा एक्शन कल भी दिखने वाला है। और आइए अब देखते हैं कल के बाजार में ऑप्शन की क्या रणनीति आप बनाएं कल का ऑप्शन में। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है, चंदन जी स्वागत करते हैं, कल के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार, देखिए बाजार में उठापटक चालू है, हालांकि 2-3 दिन से थोड़ी स्टेबिलिटी हुई है बट फिर भी फॉलो अप नहीं देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि बाजार बार बार 16,800-18,850 के जोन को टेस्ट कर रहे हैं बट ऊपर में 17,070 निकलेगा तभी यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेंस बनेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक तेजी और एक मंदी दोनों तरफ का व्यू हम ध्यान में रखेंगे। एक तरफ हमारा मानना है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में जो मूवमेंट बना है इंडिकेटर कर रहा है कि 3-5% की रैली बननी चाहिए, तो गोदरेज CP गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का 960 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। शायद ये 18 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 12 रुपए का सपोर्ट होगा, ऊपर में 30 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। वहीं वोल्टास में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वोल्टास का पुट लेने की सलाह होगी, 850 की पुट ले, 14 रुपए के आसपास बंद हुई है, 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में यह पुट लगभग 24 रुपए के टारगेट बना सकती है और वोल्टास मौजूदा लेवल से 3-4% और डिक्लाइन दिखा सकता है। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी, कल के वायदा बाजार में कहां पर मौके बन रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो बताने के लिए, और लंबी अवधि में कौन से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। सुदीप सर आपसे जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म पिक्स।
दो शेयर का जिक्र मैं करूंगा स्वाति जी. पहला शेयर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, प्लाईवुड इंडस्ट्री में दिग्गज प्लेयर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर. इन्होंने अभी जस्ट नाउ 240,000 CBM कैपेसिटी का MDF प्लांट कमीशन किया है और इसके चलते जो फास्ट ग्रोइंग MDF सेगमेंट में इनका प्रेजेंस आ जाएगा. तो दो सेगमेंट प्लाईवुड और MDF दोनों में बहुत अच्छा टेलविंड है, उस सेक्टर में काम करेंगे ये कंपनी. और आने वाले दिनों में MDF कमीशनिंग के बाद इनका सेल्स, एबिटडा और मार्जिन हर जगह में इंप्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी. ओवरऑल हम लोग करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, ₹175 का टारगेट एक साल के लिए. जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, गो फैशंस. यहाँ पे ₹1200 का टारगेट रख के एक साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. वुमेन्स बॉटम वेयर, इस सेगमेंट को इन्होंने एक्चुअली एक तरह से कहा जा सकता है इन्वेंट किया है और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कामकाज किया है. लीडरशिप पोजीशन ऑब्वियसली है, एक नीश सेगमेंट है, पर यहाँ पे जो इवोल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बहुत जल्दी इनोवेशन और इवोल्यूशन के आगे बढ़ा रहे हैं. स्टोर प्रेजेंस बहुत अच्छा है और एक यूनिक प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन मार्केट में क्रिएट किया है. और रीसेंट करेक्शन, जो शार्प करेक्शन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे खरीदारी की अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक साल का नजरिया से. जी, तो लंबी अवधि के स्ट्रैटेजी और खरीदारी के दो पसंदीदा स्टॉक्स सुदीप जी के, जो उन्होंने हमें बताए, गो फैशन और साथ ही ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में निवेश की सलाह वो दे रहे हैं. धन्यवाद करेंगे सुदीप जी, आप हमारे साथ आज के खास कार्यक्रम में शामिल हुए.